हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में भी मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको करने के लिए दिया था। अब मैं ये क्वेश्चन करूंगी और आपको मैच करना है कि आपका जो आंसर आया है क्या वो बिल्कुल सेम आया है मेरे आंसर से। अगर आपका आंसर सेम आया तो मतलब आपको ये क्वेश्चन करने आ गए हैं और आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी डिजिट्स अलग है और बिल्कुल उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज। तो हमको उसी क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम ऐसे इसमें भी यही दिया हुआ है। हमें मीन दिया हुआ है एक्स सीरीज और वाई सीरीज का, एज्यूम मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, सिमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर एज्यूम मीन समेशन डीएक्स डीवाई इज इक्वल टू 390 एंड नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो उसके बाद हमने जैसे वो क्वेश्चन किया था, हमने सबसे पहले गिवन चीज लिखी थी, तो हम अभी भी गिवन लिख लेंगे। हमें क्या क्या गिवन है? सॉल्यूशन गिवन, गिवन लिख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? एन हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 हमें क्या दिया हुआ है, एन हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमें एक्स बार भी दिया हुआ है। ये जो हमें मीन दिया हुआ है ये हमें एक्स बार दिया हुआ है 381.2, और जो ये हमें वाई सीरीज का मीन दिया हुआ है ये हमें वाई बार दिया हुआ है 24.5। ठीक है, उसके बाद हमको एज्यूम मीन भी दिया हुआ है। एक्स सीरीज का एज्यूम मीन है हमारे पास 380, वाई सीरीज का एज्यूम मीन है हमारे पास 25। उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमारे पास है 16.79 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारे पास है 2.97। उसके बाद समेशन डी एक्स डी वाई भी हमारे पास दिया हुआ है। समेशन डी एक्स डी वाई हमें दिया हुआ है 390। समेशन डी एक्स डी वाई हमें क्या दिया हुआ है? 390। बिल्कुल सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ी डिजिट्स अलग है। बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, वही सब चीजें दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला था? एक्स बार निकाला था। हम एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन ऑफ एक्स प्लस समेशन डी एक्स, इससे हमारा क्या आ जाएगा? समेशन डी एक्स आ जाएगा, और वाई बार वाले से समेशन डी वाई आ जाएगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? समेशन डी एक्स निकालेंगे। समेशन डी एक्स निकाल के जो एक्स बार की वैल्यू है हम पुट कर देते हैं। एक्स बार है हमारे पास 381.2। ठीक है, एज्यूम मीन ऑफ एक्स है 380, समेशन डी एक्स अपॉन में, एन हमारे पास है 10। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे समेशन डी एक्स की वैल्यू आएगी 381.2। यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 380 समेशन डी एक्स अपॉन में 10। ठीक है, तो इसको इससे करेंगे, इससे हमारा ये पॉइंट हटेगा, तो 381.2 माइनस 380 समेशन डी एक्स, तो इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। तो हमारी समेशन डी एक्स की वैल्यू आ गई 12। हमारा समेशन डी एक्स कितना आ गया? 12। अब हम निकाल लेंगे हमारा समेशन डी वाई। जैसे हमने समेशन डी एक्स निकाला है वैसे ही हम समेशन डी वाई भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा समेशन डी एक्स निकल गया, हम ऐसे ही अपना समेशन डी वाई भी निकाल लेंगे। समेशन डी वाई कैसे निकाल लेंगे हम? जैसे हमने एक्स बार वाली वैल्यू पुट की थी वैसे हम वाई बार वाली भी कर लेंगे। तो एज्यूम मीन ऑफ वाई प्लस समेशन डी वाई अपॉन मी एन। ठीक है, वाई बार की वैल्यू हमारे पास हुई है 24.5। ठीक है, एज्यूम मीन ऑफ वाई हमें दिया हुआ है 25 प्लस समेशन डी वाई अपॉन में, समेशन डी वाई हमें निकालना है, हमारे पास नहीं दिया हुआ है, एन है हमारे पास 10। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे 24.5 250 प्लस समेशन डी वाई अपॉन में 10। इसको इससे हम हटाएंगे तो आएगा 245 माइनस 250 समेशन डी वाई, यहाँ आएगा हमारा समेशन डी वाई की वैल्यू आई माइनस का 5। हमारी समेशन डी एक्स की वैल्यू भी आ गई, समेशन डी वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पुट करके हम समेशन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि हम जब रूट हटाते हैं, समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस समेशन डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है x का 16.79 और उसको हमने स्क्वेयर करना है, समेशन डी एक्स स्क्वेयर हमने निकालना है एंड हमारे पास 10 दिया हुआ है। समेशन डी एक्स मतलब जो हमारा भी निकला था ये वाला समेशन डी एक्स है हमारा 12 अपॉन में 10 का स्क्वेयर, ठीक है ऐसे हमने करना है इसको। जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे हमारा आएगा 281.9041, ठीक है, और समेशन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 10 माइनस, जब हम 12 का स्क्वेयर करेंगे तो हमारा आएगा 144 और 10 का स्क्वेयर है 100, ठीक है। जब हम इसको इधर लेके जाएंगे मतलब 281.9041 प्लस इसको लेके आएंगे 144 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन में 10। फिर उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो समेशन तो इससे जब हम इसके पॉइंट हटाएंगे इंटू करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा 281.904.1 प्लस 144 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 10। उसके बाद जब हम इसको और कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको इससे प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 282048.1 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी एक्स स्क्वेयर अपॉन में 10। तो इस वाले 10 से हमारा ये वाला पॉइंट हट जाएगा या तो हमारा समेशन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आएगी 282048.81। तो ये हमारा क्या आ गया, समेशन डी एक्स स्क्वेयर। जैसे हमने समेशन डी एक्स स्क्वेयर निकाला वैसे ही हम समेशन डी वाई का स्क्वेयर भी निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन डी वाई का स्क्वेयर अपॉन में n माइनस का समेशन डी वाई अपॉन में n का होल स्क्वेयर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है हमारा 2.97 का स्क्वेयर, समेशन डी वाई स्क्वेयर हमें निकालना है, n है 10 माइनस समेशन डी वाई हमारा आया था माइनस का 5 हमारा आया था और n है 10 उसका स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 8.8209 इज इक्वल टू समेशन डी वाई स्क्वेयर अपॉन में 10, 5 5 25 और 10 का 100 इधर ले जाएंगे 8.8209 प्लस 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी वाई का स्क्वेयर। उसके बाद 8.8209 प्लस 25 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी वाई का स्क्वेयर। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे 8845.9 अपॉन में 100 इज इक्वल टू समेशन डी वाई स्क्वेयर अपॉन में 10। फिर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 884.59 इज इक्वल टू समेशन डी वाई का स्क्वेयर। हमारा समेशन डी वाई स्क्वेयर आएगा 884.59। तो हमारे पास समेशन डी एक्स का समेशन जो कुछ हमें गिवन था और जो जो हमें निकालना था जैसे समेशन डी एक्स समेशन डी वाई समेशन डी एक्स का स्क्वेयर समेशन डी वाई का स्क्वेयर वो हमने सारा निकाल लिया है। अब हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला पुट करते हैं, ये हम इस पर अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। R इज इक्वल टू एन इंटू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन में अंडर रूट एन इंटू समेशन डी एक्स का स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वेयर अंडर रूट एन इंटू समेशन डी वाई का स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई का होल का स्क्वेयर, ठीक है। तो निकालते हैं हम आर की वैल्यू। तो एन है हमारे पास 10, समेशन डी एक्स डी वाई है 390 और समेशन डी एक्स है हमारे पास 12 और समेशन डी वाई है हमारे पास माइनस का 5। एन है अंडर रूट एन है हमारे पास 10 इंटू समेशन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है हमारे पास 282048.81 माइनस उसके बाद समेशन डी एक्स स्क्वेयर है हमारे पास 12 का होल स्क्वेयर मतलब समेशन डी एक्स हमारे पास 12 उसका होल स्क्वेयर अंडर रूट एन है हमारे पास 10 इंटू समेशन डी वाई स्क्वेयर हमारे पास है 884.59 माइनस उसके बाद समेशन डी वाई है हमारे पास माइनस का 5 उसका स्क्वेयर, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया 3900 माइनस 12 इंटू 5 किया और माइनस माइनस प्लस 60 अपॉन में अंडर रूट
हमने 10 को मल्टीप्लाई किया, हमारा यहाँ 282048.1 माइनस 144 अंडर रूट मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 25, ठीक है। उसके बाद इसको प्लस किया 3960 अकाउंट में अंडर रूट, इसको माइनस किया आया 281904.1, इसको माइनस किया आया 8820.9, ठीक है। तो 3960 अपॉन में दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2486647875.69। उसके बाद इस वैल्यू का अंडर रूट निकाला तो आया 49866.3, और जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0794। मैंने ये कैलकुलेशंस पहले कर रखी थी, इस वजह से मैंने सिर्फ पुट की है, तभी भी इतना टाइम लग गया। जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक डिजिट जो आप फिल कर रहे हैं कैलकुलेटर में उसको बार बार चेक करें कि आपने सही भरी है कि नहीं भरी, पॉइंट सही जगह पे लगाया है कि नहीं लगाया है। छोटी सी गलती, आप वैसे तो आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन आप अगर जो वैल्यूज पुट करने में भी अगर छोटी सी गलती भी आप करते हैं तभी आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, तभी आपको कैलकुलेटर दिया गया है, क्योंकि इतने इतना इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड पॉसिबल नहीं होता हो पाता, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, 0.0794। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शारदा यूट्यूब चैनल। बाय।